वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से जाने से पहले इंजमाम उल हक के करियर के मुतालिक एक और ट्रिविया क्वेश्चन था, और ये था कि इन्होंने 100 टेस्ट मैच में सेंचुरी की थी, वो किस मुल्क के खिलाफ की थी? और इंजी, बैंगलोर अगेंस्ट इंडिया जी। तो ये है इसका जवाब। चलें आपकी अब मुलाकात कराते हैं, बेहतरीन शोबिज के वो बॉलर हैं, आप तो जानते होंगे नुमान, वो आते हैं और छा जाते हैं, स्टेज के किंग हैं और हमारे शो में कंसिस्टेंटली हमारे साथ हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। मेरा ऑब्वियसली इशारा चंद साहब की तरफ है। आइए जी हमारे चंद साहब। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि ये दो शख्सियत जो बैठे हैं सामने, और मैंने आज मुबारक कट्ठे किया है। ओ अच्छा, क्यों जी इसी तरह ही? और नुमान एजाज साहब, इनका तारुफ करा दूं कि इन्होंने एक ही स्टेज ड्रामा किया है और वो ही मेरे कैरियर का बेहतरीन ड्रामा बना। वाकई जी। क्रिकेट के मुतालिक क्या है, हमारी टीम के चांसेस हैं आपके ख्याल में? हम तो कहेंगे, हर वक्त दुआ करते हैं। दुआ करते हैं, ठीक है जी, जरूर। पाकिस्तान हमारी जान है और क्रिकेटर हमारी शान है जी। नुमान एजाज साहब, आप हीरो हैं। ऐसे तो हीरो बड़ी मोहब्बतें की होंगी आपने। स्टिल ऑन। मैंने भी एक मोहब्बत की। बड़ी गल है, उसका हौसला है जिन्हें की थी दादे नाल। वही तो बता रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने रुका लिख के फेंका, वो उठा के ले गई, फिर फेंका उठा के ले गई, फिर तीसरे दिन फेंका उठा के ले गई। मैंने कहा बड़ी पक्की मोहब्बत होगी, वो तो चौथे दिन पता लगा कि वो कागज उठाने वाली थी। एक आदमी सिगरेट लगा रहा था, मैंने कहा यार दो लगाना, उसने सिगरेट रख के मुझे दो लगाई। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। इन दोनों बैट्समैनों की क्या तारीफ करें, नहीं कर सकते, दुनिया जानती है। बिल्कुल। आपको अफसोस होता है जब पाकिस्तान टीम हारती है? हाँ जी। फिर क्या नहीं होता है? एक दफा हिंदुस्तान से मैं आई था, हमारा भूल गया कब था, हमारी बैटिंग बहुत चली, बहुत उनको पीटा, लेकिन वो शुरू है उन्होंने हमसे ज्यादा पीटा। तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, ड्रामे का टाइम हो गया था। अच्छा, तो मेरी बड़ी बुरी हालत हो गई थी। सड़क पे फकीर मांग रहा था, मैंने तो भी शर्म नहीं आती, सड़क पे मांग रहे हो, कहने लगा तुम्हारे रुपए के लिए मैं इधर दफ्तर बना लू। तो क्या बताऊं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आती। अमेरिका ने मशीन बनाई चोर पकड़ने वाली, 30 चोर पकड़े हैं महीने में उन्होंने। इंग्लैंड वालों के पास है, उन्होंने 20 चोर पकड़े हैं उस मशीन से। पाकिस्तान मशीन आई है, वो मशीन ही चोरी हो गई। वो सियाने कहते हैं इंसान के आगे वो ऐसे ही कांपते हैं कि काली बिल्ली गुजर जाए तो इंसान का काम नहीं होता सारा दिन, मेरे आगे से बिल्ली निकल जाए ना तो बिल्ली का काम नहीं होता। आप टीवी पे आते जी, मेरे पीछे पीछे घूमते हैं टीवी वाले। क्यों? मैं किस्तों पे ले लिया ना मैंने। सो नुमान, प्रोग्राम का वो वक्त आ गया है जहां पे हम अपने वर्ल्ड कप के सितारों को, चाहे वो खेल रहे हो या तबसरा कर रहे हो, हम उनको अलविदा करें एक नेशनल सॉन्ग के साथ, ऐसे सॉन्ग के साथ ताकि इनकी स्पिरिट्स हाई रहे वर्ल्ड कप के दौरान। तैयार हैं आप सुनने? मैं बिल्कुल तैयार। चलें जी सुनते हैं। हमारी एक सिंगर हैं जो कि यहाँ पे अपना सॉन्ग सुनाएंगी, नेशनल सॉन्ग है, उनका नाम है सारा रजा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि कितना अच्छा गाते हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा की जो दिए, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए, बादी तेरी माटी की कसम जो भी की।
प्रोग्राम हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। आज आउटस्टैंडिंग नशिस्ती और इंजी यूसुफ नुमान आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला और हमसे क्रिकेट की बातें शेयर की। आप बांग्लादेश जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, ऑल द बेस्ट। और इंजी आपसे मुलाकात रहेगी। सो जाने से पहले मैं चाहूँगा नुमान ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं दो हमारे दोनों गेस्ट को दे दें पीटीवी की तरफ से।